बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हाज़िर हूँ आपके खिदमत में कराची सिंध वेदर अपडेट के साथ। नाज़रीन, कराची सिंध वालों, बड़ा ऐलान, शदीद गर्मी के बाद बारिशों की बड़ी खुशखबरी आ गई। कब से, ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। वेदर लवर्स, ताज़ा तरीन मौसमी सूरताल के मुताबिक आखिरकार सुबह सिंध को आज गर्मी की शदीद लहर ने मुतासर करना शुरू कर दिया है। आज सिंध के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी थी, धूप की शिद्दत तमाम तेज़ थी। दर्ज हरारत कुछ कुछ जगह पर 49 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, साथ में तेज़ गर्म हवाएं भी चलीं। कराची की बात की जाए तो आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में धूप की शिद्दत तेज़ थी, गर्मी की कुछ शिद्दत में भी इजाफा हुई है। दर्ज हरारत में 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफा देखने को मिली। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक मंगल से मौसम गर्म होना शुरू होगा शहर में और दर्ज हरारत 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड होंगे, जबकि गर्मी की ये लहर शहर को जुमेरात से इतवार के दौरान मुतासर करेगी। जुमा से इतवार के दौरान गर्मी उरूज पर होगी। इस दौरान शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 41 से 43 डिग्री, बाज़ इलाकों में 44 से 45 डिग्री तजावीज़ करने का इम्कान। इस दौरान दिन में शुमाल मगरब से इंतहाई गर्म व खुश्क हवाओं का बसेरा रहेगा। उसके बाद पीर से मुल्क में मगरबी सिस्टम की आमद के बाद कराची में तेज़ हवाओं और खुशगवार समंदरी हवाएं बहाल होंगी और गर्मी की शिद्दत में काफ़ी कमी आ जाएगी। सुबह से 10 बजे से दोपहर 4 बजे के दौरान गैर ज़रूरी ऐलान, घर से बाहर ना निकले, गुरेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें और धूप में बराए रास्त ना खड़े हो। तबीयत खराब होने पर डॉक्टर से फौरी रजू करें। इस दौरान हीट स्ट्रोक का भी खदशा रहेगा, बिलखसूस बुज़ुर्गों और बच्चों को। मज़ीद अल्लाह ताला रहम करेगा। बात की जाए बारिशों की तो इंशाल्लाह अब बहुत जल्द बारिशों की वापसी कराची सिंध में होने वाली है, यानी प्री मानसून की हवाएं खलीज बंगाल से कराची सिंध का रुख करेंगी, जिसके बाद बारिश का सबब बनेंगे। फ़िलहाल तब्दीलियां होने को हैं, जिसकी मज़ीद अपडेट बाद में शेयर करेंगे। शुक्रिया।